11 जनवरी 2022 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपनी दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? प्रश्न है, किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हो? उत्तर है, बेगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए, यह शरीर भी मेरा नहीं, ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर हैं, उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस बात पर देना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। देखना है हमारे में सब गुण है, जो बनना है उस तरफ ही ध्यान जाएगा ना, यह बनेंगे कैसे? पढ़ने और पढ़ाने से। बेहद के बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण तो अब तक कोई बना नहीं है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं कि यह बच्चा क्या कर रहा है, मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं, कितनों की तकदीर ऊंचे ते ऊंचे बना रहे हैं। हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को भी जानते हैं। अतिंद्रिय सुख का जीवन हर एक को अपना भासता है। यह तो बच्चों को निश्चय है कि बाप की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सहज उपाय है ही याद की यात्रा। अपनी दिल से पूछना है, हमारी याद की यात्रा ठीक है? दूसरे को आप समान बनाते हैं, ज्ञान बुलबुल बने हैं। तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनने वाला है नहीं, तुम ही देवी घराने के भांति बनते हो। वहां तुम्हारा है देवी परिवार। अभी तुम जानते हो हम देवी परिवार का बनने लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ना भी कायदे सिर है, एक दिन भी अब्सेंट नहीं रहना है। भल बीमार हो, खाट पर पड़े हो, तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। आत्मा जानती है हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको घर ले चलने आया है। कितनी सहज याद है, यह भी प्रैक्टिस चाहिए। बुद्धि में एक बाबा की ही याद रहे, बाबा आया है, हम शांति धाम में जाकर फिर सुखधाम में आने वाले हैं। पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है जो एक शुभ बाबा की ही याद रहे, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। मुख से कोई जाप नहीं करना है, औरों को आप समान बनाने के लिए पढ़ाना भी है। बाप समझाते हैं, तुमको उस अवस्था में जाना है जिस सतो प्रधान अवस्था में तुम यहाँ आए थे। उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है सतयुग में। कितना सहज है। तुम भक्ति मार्ग में गाते थे, आप जब आएंगे तो हम और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ेंगे। इसमें मेहनत है, पवित्रता की बात भी मुख्य है। गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल फूल समान बनना है। वह कमल भी पानी से धरनी से ऊपर रहता है। तुम चैतन्य फूल भी धरनी के ऊपर हो तो तुमको भी प्रतिज्ञा करनी है। हम पवित्र रहते हुए एक आपको ही याद करेंगे, जो अंत में सिवाय आपके और कोई की याद न आए, कोई अवगुण भी न रहे। जो बच्चे ऐसे बनते हैं वह सदैव हर्षित रहते हैं। यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी है। बच्चे जानते हैं कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है, माया झट छुई मुई कर देती है।
हर एक को अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। हम कितना बाप की याद में रहें हर्षित रहते हैं, कितना बाप के सर्विस में टाइम देते हैं। भल कोई कैसा भी है, तुम बच्चों को सर्विस करते ही रहना है, जांच करते हैं कौन वर्षा पाने के लायक है। जैसे बिच्छू को मालूम पड़ता है यह पत्थर है या नर्म चीज है, तो पत्थर पर कभी डंक नहीं लगाएगी। तुम्हारा धंधा ही यह है। तुम बेहद बाप के स्टूडेंट हो ना, पढ़ाई पर बहुत मदार हैं। शुरू में बच्चे मुरली बिगर एक दिन भी रह नहीं सकते थे, कितना तड़पते थे। क्लास में बड़ी बहनों ने गीत सुनाया, तेरी मुरली में जादू, बांधेलियों को कैसे मुरली पहुंचाते थे। मुरली में ही जादू है ना, कौन सा जादू, विश्व का मालिक बनने का जादू, इससे बड़ा जादू कोई होता नहीं। तो उस समय मुरली का तुमको कितना कदर था, मुरली पहुंचाने के लिए कितना प्रयत्न करते थे, समझते थे पढ़ाई बिगर बिचारे का क्या हाल होगा। यहाँ बाबा जानते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुरली पर पूरा ध्यान ही नहीं देते हैं। मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती है। भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे। बाबा को वंडर लगता है, चलते चलते बहुत बच्चों को माया का तूफान ऐसा लगता है जो मुरली पढ़ना क्लास में आना छोड़ देते हैं। ज्ञान से नफरत माना बाबा से नफरत, बाप से नफरत माना विश्व की बादशाही से नफरत, माया बिल्कुल नीचे ले जाती है, बुद्धि को एकदम मार डालती है, जो कुछ भी समझते नहीं। भल भक्ति तो बहुत करते परंतु एकदम ब्लाइंड फेथ बेसमझ बन गए हैं। बाप खुद कहते हैं तुम कितना लायक थे, अब न लायक बन गए हो। अब मैं फिर आया हूँ तुम बच्चों को लायक बनाने, इसलिए श्रीमत पर जरूर चलना है। बाप कहते हैं इसमें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो और पढ़ो। स्कूल में बच्चे पढ़ते भी है और टीचर को भी याद करते हैं, कैरेक्टर भी सुधारने हैं। तुम्हारी भी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तुमको यह बनना है। उन्होंने कैरेक्टर अच्छे हैं तब तो सारा दिन मनुष्य गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न मनुष्य को जब तक बाप का परिचय नहीं मिला है तब तक अंधियारे में है। सारी दुनिया के मनुष्य इस समय निधन के है, उन्होंने बाप का पैगाम पहुंचाना है। तुम बेहद बाप के बच्चे हो ना, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को युक्ति निकालनी है कि सबको पैगाम कैसे पहुंचाए। अखबार द्वारा ही सबको पैगाम पहुंचेगा कि एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सभी आत्माएं पहले पावन थी, अब सब अपवित्र हैं। यहाँ कोई पवित्र आत्मा हो न सके। पवित्र आत्माएं होती है पवित्र दुनिया में, आत्मा पवित्र बन जाती है फिर यह पुराना चोला छोड़ना ही है। यह हो नहीं सकता कि आत्मा पावन हो और शरीर पतित हो, तो बाबा को याद करते करते अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। पहले पहले जब तुम आए तो पवित्र थे, अब फिर पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनकर जाएगी फिर पवित्र दुनिया में आएगी, शांति धाम से होकर फिर गर्भ महल में आएंगे। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता है, रावण राज्य ही नहीं है, परंतु पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। इसके लिए यह पढ़ाई है, स्वर्ग में तो सब जाएंगे लेकिन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। यह तो जानते हो स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश हो रहा है। शिवालय स्थापन होगा तो वैश्यालय खत्म हो जाएगा,
शिवालय में तो आना ही है, कोई ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे, जिनकी बिल्कुल लाइन क्लियर है, एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं आती है, उनको कहा जाता है पूरे बेगर, शरीर को भी याद नहीं करना है, अर्थात जीते जी मरना है। हमको तो अब अपने बेहद के घर जाना है, अपने घर को भूल गए थे, अब बाप ने याद दिलाया है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, तुम वानप्रस्थी हो, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब मैं आया हूँ वाणी से परे स्थान पर सब बच्चों को ले जाने के लिए, वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए सब भगत भक्ति करते हैं। अब बाप समझाते हैं सब वानप्रस्थ अवस्था में कैसे जाते हैं, उन्होंने इस अक्षर के अर्थ का भी पता नहीं, सिर्फ नाम सुना है। भल द्वापर से लेकर लोकी गुरुओं द्वारा बहुत पुरुषार्थ किया है, परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकता। बाप कहते हैं अब छोटे अथवा बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तो तुम्हारी है, क्योंकि वापिस जाना है, बेहद का बाप सबको वापिस ले जाने आया है, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो सबको बाप ही स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, क्योंकि आत्माओं को अब शांति चाहिए, यहाँ तो शांति हो न सके। शांति धाम का मालिक तो एक बाबा ही है, जब मालिक आए तब सबको ले जाए। भक्ति करते थे शांति धाम में जाने के लिए, ऐसे कोई नहीं कहते हम सुखधाम में जाए। बाबा कहते हैं हम तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूँ कि तुम सबको घर ले जाऊंगा, अगर मेरे श्रीमत पर चलेंगे तो सुख धाम में कोई न भी चले, शांति धाम में तो जरूर ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। नहीं चलेंगे तो सजाए देकर मार पीट दिला कर भी ले चलूंगा, जैसे बच्चों को सजा दी जाती है ना, तुम बच्चों को भी ऐसे ले चलेंगे, क्योंकि ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, इसलिए अपनी कमाई कर चलो तो अच्छा है, पद भी अच्छा मिलेगा, पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाबा कहते तुम चाहो व न चाहो, तुम्हारे सब शरीरों को आग लगाकर आत्माओं को जरूर ले चलना है, मेरी मत पर चल, अगर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि मुझे बुलाया ही है कि आओ घर ले चलो, अर्थात मौत दो, यह तो सब जानते हैं, मौत आया कि आया, छी छी कोई यह रहना नहीं है। बाप कहते हैं मैं सबको छी छी दुनिया से जरूर ले जाऊंगा, जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वही सुखधाम में आएंगे, सुखधाम व स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, तुम्हारा यादगार मंदिर देलवाड़ा है, आदि देव बैठा है, बाप दादा है ना, इनके ही शरीर में बाबा विराजमान होता है, तुम जानते हो यह बाप दादा दोनों बैठे हैं। इस समय तुम बच्चे जो राजयोग सीख रहे हो उनकी निशानी मंदिर में दिखाई है, महारथी घोड़े सवार भी हैं। कल्प कल्प हुबहू ऐसा ही मंदिर बनेगा, जो तुम जाकर देखेंगे तुम कहेंगे यह सब टूट जाएंगे, फिर कैसे बनेंगे, यह ख्याल नहीं करना चाहिए। स्वर्ग अभी कहाँ है, फिर स्वर्ग के महल होंगे, यह पहाड़ियाँ आदि टूट जाएगी फिर बनेंगी, आबू फिर भी बनेगा। बहुत बच्चे इस बात में बहुत मूंझते हैं, बाप कहते हैं मूंझने की दरकार नहीं, कहते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई फिर निकलेगी, नीचे जो चीज गई सो गई, खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो स्वर्ग में हम अपने महल आदि बनाएंगे,
वहाँ बिल्कुल ही सतो प्रधान सब नई नई चीजें होगी। तुम वहाँ के फल आदि देखकर आते हो। तुम जानते हो हम वहाँ जाने वाले हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो स्वर्ग भी रिपीट होगा, यह निश्चय होना चाहिए। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है, इतने सब फेर आएंगे फिर महल आदि बनेंगे। तुम जानते हो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जाते हैं फिर भी मंदिर बनाएंगे, यह खेल ही पूज्य से पुजारी पुजारी से पूज्य बनने का है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह चक्र है। तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, तुम्हारे कदम में पद्म का छाप लग जाता है। तुम जानते हो हमारे कदम में पद्म है, अर्थात पढ़ाई के कदम में पद्म समाये हुए हैं। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, वहाँ की धरनी भी कितनी सुंदर होती है, कितने सुंदर महल बनते हैं। हर चीज सतो प्रधान होती है, देखने से ही नैन ठंडे हो जाते हैं। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। बच्चों को ज्ञान तो बुद्धि में है, बाप को याद करना है, लौकिक संबंध से ममत्व मिटाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है बाप की याद में रहे, सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। दूसरी पॉइंट है पढ़ाई के कदम कदम में पदम जमा करने हैं और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। आज का वरदान है सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। विश्लेषण है जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, एक बाप दूसरा न कोई यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजयी रहे। हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बनाए रास्ता निकाला। कभी घबराए नहीं, ऐसे सदा बड़ी दिल रखो, दिल खुश रहो। हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे। आज का स्लोगन है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। आज के योग अभ्यास की पॉइंट है लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जितना बेहद की प्राप्तियों में मगन रहेंगे उतना हद की आकर्षण से परे रहें। परमात्मा प्यार में समाने का अनुभव करेंगे। आपकी यह लवलीन स्थिति वातावरण में रूहानियत की खुशबू फैलाएगी। अच्छा ओम शांति।